2 से 2:30 के बीच में मेरी नींद खुल गई थी, और अभी 4 बज रहे, और 2-2:30 बजे जो माहौल था ना बारिश का बना हुआ, नींद में लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे धमाके हो रहे हो आसपास कहीं पे। जब जैसी आँख खुली ना तो देखा कि लाइट चली गई है और बिजली इतने जोर जोर की यहाँ पे आवाज़ आ रही थी ना बिजली की, जो उफ भाई येलो रहा, बहुत सही वाला हुआ भाई, बहुत ज़्यादा गंदे वाली बारिश हो रही थी। अभी जाके 4 बजे बारिश हो रही है, बट जो वो साउंड थी और वो जो डरावनी सी मोमेंट ख़त्म हो चुकी है वो टाइम। तो भाई घर पे रहे, सेफ रहे जब तक येलो अलर्ट है, और मेरे ख्याल से अभी सुबह तक ऐसा होगा कि उठने से पहले पहले रोड काफ़ी जगह बंद हो चुके होंगे। बस प्रे करते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, सब सेफ रहे, बाकी सब बढ़िया। सो MRVs, जो आप डॉट देख रहे हो नीचे वाला डॉट, ये है वो एरिया जहाँ पे रोड टूट चुका था, बंद हो चुका था, और ऊपर वाला डॉट थे जहाँ हम थे। ये इस पार्ट 2 वाला रोड है, जो पुराना ब्लॉग था हमारा उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उसमें दिखाया था कि लास्ट में हम नेक्स्ट ब्लॉग लाएंगे जो वो होगा रोड से रिलेटेड, हिमाचल में क्या हुआ है। तो ये कुछ हाल है हमारे नियर बाय, जो कि फर्स्ट टाइम जब बारिश हुई थी उसके बाद का है। ये उस टाइम का सारा सीन है, उस टाइम की वीडियोस है जब पहली बार बारिश हुई थी, फर्स्ट टाइम बारिश हुई थी 2-4 दिन जब बारिश कंटिन्यू हुई थी। उसके बाद जो हालात तो हुए थे काफ़ी जगह, मनाली जैसी जगह और ऊपर पहाड़ में तो बहुत बुरे हाल हो गए थे। यहाँ पे भी माइनर से हुए, बट यहाँ पे भी काफ़ी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी के घर भी चले गए, और रोड के तो चलो बुरे हाल थे ही। बहुत टाइम बाद ऐसी बारिश हुई है सब बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं वही तो है, नुकसान भी हुआ है बहुत ज़्यादा। बट इसमें एक बात सोचने की है कि अगर यही हालात किसी और जगह के हुए थे तो इस टाइम ट्रेंड कर रहा होता #SaveTheCountry वो तो या कुछ भी, बट अपने ही हिमाचल में कोई भी बहुत कम है कि आवाज़ उठा रहे होगे कि हाँ ऐसा है और दिखा रहे होगे, नहीं तो बाहर से कोई बात ही नहीं कर रहा है हिमाचल के कुछ ऐसी कंडीशन है। यहाँ तक कि न्यूज़ में भी बस वही चला है जो जिससे TRP मिलेगी, जैसे सीमा हैदर हो गया और फालतू की चीज़ें। हमारे देश में कहाँ कहाँ क्या कंडीशन है बारिश की वजह से या कोई भी वजह से, उसको दिखा नहीं चाहता है कोई भी, बस ऐसे हालात हो चुके हैं, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, बट इसके बाद भी बारिश हुई, जो फर्स्ट टाइम की बारिश थी उसके बाद भी बारिश हुई। ये NH का रोड देख रहे हो आप, इसके बाद बारिश होने के बाद बहुत बुरे हाल हुए। ये कुम्हारहट्टी का एरिया ये भी बंद हो गया था, यहाँ पे जाम लगा था काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। बाकी ये जो जगह है ये है अपना रॉकरोच, ये अपने भाई की और अपने दोस्त की मतलब ढाबा था, और ये पीयूष भाई का वाइन की शॉप थी साथ में, ये भी सारी ख़राब होगी। और ये NH के हाल है भाई, जो यहाँ की जगह है ना जहाँ ये जाम लगा इस टाइम, ये चक्की मोड़ के पास जहाँ रोड बिल्कुल ही टूट गया था, ये उस टाइम थोड़ा सही था, ये खोल दिया गया था, ये इतना डैमेज नहीं हुआ था उस टाइम, बट उसके बाद फिर से बारिश हुई और ये जो पूरा ही टूट गया। तो ये काफ़ी 2-4 दिन बंद रहा, उसके बाद एक छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया, उसके बाद बड़ी गाड़ियों के लिए अब फाइनली खोल दिया गया है। तो कुछ ऐसे हाल है,